to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. So I'm looking for something that's definite. I'm praying you don't let me down. It's gotta be all. It's gotta be all or nothing. आज है डे 3, हम हैं गोवा में और आज पहला दिन है राइडर मेनिया का। फर्स्ट क्लास तैयार हो गए, अभी हम निकल रहे हैं राइडर मेनिया के लिए। बाकी इंटरसेप्टर चली गई है दूसरी जगह, आ गई है हिमालयन, एक और फ्रेंड हमारे साथ ज्वाइन हुआ है, और हमारी ट्रायम्फ स्कैम्बलर 400X, नो इश्यूज, डन डील, आज कोई इशू नहीं। हमारे मिलिंद भाई भी ऑल सेट है, नहा धोके फटाफट फ्रेश एकदम, शाबाश। तो राइडर मेनिया मेरे लिए फर्स्ट टाइम, मिलिंद भाई के लिए 5th, 6th, 4th, I lost the count. तो राइडर मेनिया की खुशी अलग है। IBW लास्ट टू लास्ट ईयर गया था लोनावला MP वाली, पर राइडर मेनिया का जो जलवा है, जो शो है, रॉयल एनफील्ड है, वो काफ़ी बड़ा सेटअप है। यहाँ सब बताने की ज़रूरत नहीं, पहले चलते हैं यहाँ से तकरीबन आधा घंटा, उसके बाद हम मारेंगे एंट्री राइडर मेनिया में और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या इवेंट है और क्या क्या स्टॉल्स है। चलो तिकडे गाडी लावायला जागा नाही आहे, ऐका चला, पण तो लई वेळ लावतो नाश्ता करायला। ऑल सेट, ये हमारे बापू साहब पुणे से आए। हिमालयन में जो एग्जॉस्ट है आपको लग रहा है स्टॉक है, पर ये स्टॉक नहीं है। बापू स्टार्ट करा, रेव रेव, आहा ऊपर गेले, कडक कडक, शाबाश। चलो फर्स्ट क्लास। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, फर्स्ट क्लास नाश्ता हो गया सुख सागर में, मस्त मैसूर डोसा एंड फ्रेश लाइम वाटर, क्या बात है। अभी RM के लिए ते आईस्क्रीम वाल्याकडे लोक इथे बसून माझ्या गाडीवर आईस्क्रीम खातील ना। 2000 years later. बात है नाना, लुकिंग टू गुड। सो गाइस, दिस इज द हिमालयन डोम, सारा हिमालयन का पूरा सब है, सारे कलर्स है ये हिमालयन डोम में।
लुक एट द टायर मैन, भाई साहब मतलब कहर है भाई कहर, द साइज ऑफ द मोटरसाइकिल मैन, इसके आगे तो फैट बॉय भी कम है। सर आपके बिना स्टैंडर्ड अधूरा है। आप सुबह से हो इधर? नाइस। आपके भाई? हाँ वो चेन्नई में। हाँ क्या? नाइस नाइस मीटिंग यू सर, थैंक यू। ये थे जय कुमार, स्टैंडर्ड के टाकी पे जितना भी पेंट वर्क हुआ है ये सारा जय कुमार ने किया है और उसके भाई ने, भाई उसके चेन्नई में जय कुमार से आज मुलाकात हो रही। जितने भी आपके पास बुलेट स्टैंडर्ड है उसके पास टैंक पे जो हैंड पेंटिंग किया है वो सारा जय कुमार ने किया है। There is an introductory prize for India till up to December 31st midnight. That's about इधर हम रुके स्टारलाइट में एक अच्छी गोवन फिश थाली खाने के लिए, और फिश थाली खाने के बाद हमारा प्लान अभी भी सेट नहीं है, आरएम जाएंगे या बीच जाएंगे वो डिसाइड होगा खाते खाते, तो कुछ देर और आपको समझेगा कि हम जा रहे का। बैकेट और बीच लोकेशन, नीचे जाने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है बट यहाँ से भी सुंदर लग रहा है। ऐसे फेसेस देखो कैसे जाने का नीचे, यार मतलब ऐसा फंसा देते हो तुम लोग यार। न्यू टाइम लेके एग्जैक्टली बट यहाँ से ये बैकेट और बीच उतना ही सुंदर है, और क्या दिन है क्या इवनिंग है। गोवा का सबसे खूबसूरत बीच बोल सकते हैं इसको, बैकेट और क्या बोलते हैं मिलन सेट, इन टर्म्स ऑफ नेचर खूबसूरत है। हरामी हो बेटा।
और दिस ये एक और है भू का हूँ पीछे ये गॉय पेड़ भरा बैठ ये गॉय ते कच्चे है खुदा के बंदे एक खाली आए ना बाकी कॉम्पिटिशन जाने में तो डे थ्री आज के लिए खत्म होता है तो कॉन्सर्ट वॉज ऑसम पर पूरे थक चुके हैं होटल पे बाकी का ब्लॉग कल कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस आज है डे फोर गोवा में और आरएम का तीसरा दिन बट आरएम जाने का कोई प्लान नहीं है। शाम को प्लान बना तो देखते हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं एक ऐसी प्रथा पूरी करने जो हम हमेशा आते हैं हर साल गोवा में तो पूरी करते हैं। यस गाइस वी आर गोइंग टू मेक अ टैटू टुडे 2000 years later so स्टार्ट हो गया और कुछ सोचा है हमने जैसे मैंने बताया तो वो हम पहले पूरा करेंगे एंड देन आई विल शो यू कि वो कैसा दिखता है। लिटिल एक्साइटेड अबाउट दिस। सो गाइस टैटू बना के तो हो गया और काफ़ी बेहतरीन टैटू बना है। अभी नहीं थोड़ा होटल पे जाने दो एंड देन आई विल शो यू कि टैटू कैसा बना है। मैं नहीं आप खुद ही बताना आपको अगर टैटू पसंद आया है नहीं ये परमानेंट टैटू है तो ये जिंदगी भर साथ रहेगा। तो कल की तैयारी शुरू हो चुकी है घर जाने की। पेट्रोल वगैरह भर दिया दोनों बाइक्स में इंटरसेप्टर और ट्रांस कैमर 400X में और यहाँ से अभी जो हमारे बैंगलोर से आया मेरा दोस्त मिलन भाई ने एक होटल सजेस्ट किया है नवतारा होटल सजेस्ट किया है और उधर हम खाने आए हैं मशरूम शाकुटी मशरूम शाकुटी कोकोनट ग्रेवी में बनाई जाती है ऐसा कुछ सजेस्ट किया है मिलिंद भाई ने। अभी बेहतरीन नाश्ता हो गया और अभी टाइम हो गया है आपको टैटू दिखाने का जो हमने काफी खर्चा करके बनाया है। Like King, इतना बेहतरीन टैटू है मुझे तो बहुत पसंद आया। आपको पसंद आया तो कमेंट करके बताइए। ₹1319 टोटल किलोमीटर्स और मैंने चला लिए है 750 तकरीबन। तो यहाँ से घर है तकरीबन 350-350-400 किलोमीटर आई बिलीव। तो 1100 किलोमीटर का पूरा सफर था ये गोवे का 6 दिन में हमने जो कवर किया। ये सारे राइडर्स जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं घर पे। आज है 6ठा दिन मंडे। ये 6 दिन एक याद बन के रहेंगे हमारी ज़िंदगी में यार। फर्स्ट बाइक ट्रिप टू गोवा। यस गाइस ये 3 साल में जब से व्लॉगिंग शुरू किया है दिस इज़ द फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप ऑन बाइक टू गोवा। गोवा आने से पहले गोवा आने का एक्साइटमेंट था और उस एक्साइटमेंट में हम गोवा आए। अब घर पर जाने का एक्साइटमेंट है, घर वालों से मिलने का एक्साइटमेंट है। 6 दिन से घर वालों से मिला नहीं, मेरे बच्चों से मिलने का मुझे एक्साइटमेंट है और मेरी छोटी बच्ची 1 साल की उससे मिलने का एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट हमेशा बना के रखना। आप कहीं भी जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, ट्रिप के लिए जा रहे हो, एक्साइटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं तो आपकी राइड बोरिंग हो जाएगी। अरे हमारे संदीप सेठ हमारी राह देखते हुए कब व्लॉग खत्म होता है और कब पुणे जाते हैं। ही इज ऑल्सो एक्साइटेड टू मीट हिज फैमिली नाउ। जितने भी मैंने एपिसोड्स बनाए अगर ये आपको एपिसोड्स पसंद आए तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना भूलना नहीं और जाने से पहले ये बेहतरीन फोटोज देखते हुए जाना। आई होप यू विल लाइक इट।